हे एवरीवन, सो एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होना चाहे डायरेक्ट एंट्री से या रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद एसएसबी कॉल लेटर रिसीव करना, या ये सोचना कि मैं एकेडमी में ज्वाइन करूंगा, यूनिफॉर्म पहनूंगा, मेरी ट्रेनिंग होगी, या फिर एसएसबी सिर्फ एक छोटा सा 5 दिन का इंटरव्यू का प्रोसेस है जिसके बाद मेडिकल्स होंगे, फिर मेरी डायरेक्ट कॉल आ जाएगी एकेडमी से, ये सब सोचना आपको डिफेंस एस्पिरेंट, ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट नहीं कहेगा। आप अपने आप को डिफेंस एस्पिरेंट तब नहीं कह सकते। अगर आपको अपना डिफेंस एस्पिरेंट अपने आप को कहना है तो उसके साथ इन सब चीज़ों को लॉजिकली लेके चलना वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको आपको एक डिफेंस एस्पिरेंट बनने के लिए कितनी ज़्यादा डेडिकेशन, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क, और मैं कहूँगी एक राइट अप्रोच के साथ अपने गोल को अचीव करना, तब तक आप अपने आप को एक ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट नहीं कह सकते। सो हाय एवरीवन, दिस इज कविता। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट द एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। एंड अगर आप ये 10 चीज़ें कर रहे हैं तो आप अपने आप को एक ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट तो नहीं कह सकते। तो आप इनको फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या ये 10 हैबिट्स आपके अंदर भी हैं। अगर हैं तो जल्दी से जल्दी उन्हें रिमूव करिए ताकि आप अपने गोल के उतना ही नज़दीक जा पाएं। सो इसी तरह के और सेशंस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द ऐप जहाँ पे आप इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड गाइडेंस को ईजिली ग्रैप कर सकते हैं। नाउ हमारी 100 रिकमेंडेशंस होने की खुशी में हमने ऑलरेडी एक गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट करा है, और इसके साथ ही एक इनिशिएटिव है हमारा जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बेसिक्स से लेके, चाहे आप रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू जा रहे हो या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा रहे हो, सो हम बेसिक फॉर्म फिलिंग से लेके जब तक आपका रिकमेंडेशन और कॉल लेटर फर्दर अकेडमी से नहीं आ जाता, तब तक वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन योर ऑल अप्स एंड डाउन्स। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फिर फर्दर मेडिकल्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ये पूरा ए टू जेड गाइडेंस जो है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे थ्रू आउट अवेलेबल मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं एसएसबी प्रिपरेशंस की। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अपने आप को पर्टिकुलरली एक डिफेंस एस्पिरेंट नहीं कह सकते अगर ये 10 आदतें आपके अंदर हैं तो। और ये जो है बिकॉज आई हैव ट्रेंड सो मैनी कैंडिडेट्स और इतने फीडबैक्स हमें मिले हैं, इतने रिकमेंडेशंस और एक्सपीरियंसेस हमें मिले हुए हैं, दैट आई एम कैपेबल इनफ टू टेल यू दिस थिंग कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो लेटेस्ट ट्रेंड में अभी चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या ये 10 आदतें भी आपके अंदर हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फैक्टर की, जो है आपका टेकिंग एसएसबी इंटरव्यू लाइटली। जैसे मैंने बोला कि हमेशा हमारे दिमाग में ये आता है क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे सोर्सेज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पढ़ने में तो बहुत इजी लगता है कि यार 5 दिन का प्रोसेस है, स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगी, फिर आपको स्टे करना है वहाँ पे, और साइकोलॉजी टेस्ट है, GTO टेस्ट है, इंटरव्यू तो मेरा निकल जाएगा। तो टेकिंग एसएसबी लाइटली इज फर्स्ट एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स एंड रीजन्स। चाहे आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट होके जा रहे हो या आपने रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू अप्लाई किया एंड फर्दर आप क्वालिफाई हुए हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, यू हैव टू टेक दिस इंटरव्यू वेरी सीरियसली। ये आपका एक करियर का ऑप्शन है, बिकॉज अगर आप रिटन एग्जामिनेशन देके जा रहे हैं तो आपकी प्रीवियस भी कुछ टाइम, कुछ मेहनत, कुछ हार्डवर्क ऑलरेडी लग चुका है, और अगर आप इसको लाइटली लेते हैं तो वो कंप्लीट आपका, मैं कहूँगी हाफ ईयर ऑलमोस्ट या एक ईयर, ये वेस्ट हो जाता है। तो एसएसबी इंटरव्यू को लाइटली लेना छोड़ दीजिए, सोर्सेज को पढ़ के, रिसोर्सेज को पढ़ के, ये सोचना कि सिर्फ 5 दिन का प्रोसेस है, इस चीज़ को कर दीजिए, क्योंकि मेजर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इसके लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, ये यूजुअली आता है, आई एम श्योर बहुत लोग आप में से भी जो देख रहे होंगे उनके दिमाग में भी यही चीज़ आता है। सेकेंड इज प्रोकेस्टिनेशन। नाउ दिस वर्ड इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन अगर इसके मतलब में मैं जाऊँ तो इसका मतलब होता है कि चीज़ों को टालना या करना। ये जैसे होता है, जैसे मैंने यही बोला, एसएसबी की कॉल आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं यार एसएसबी तो हम क्लियर कर लेंगे, एसएसबी तो हमारा निकल जाएगा, हमारा स्क्रीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ईजिली स्टूडेंट्स कहते हैं कि एसएसबी में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम ईजिली क्लियर कर लेंगे, इतना तो मुझे आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्लीज़ डू अवॉइड इट। जितना आप ऐसे करते जाएंगे उतना आप अपने गोल से दूर जाते जा रहे हैं। तो इस हैबिट को, इस फैक्टर को अगर ये आपके अंदर है तो ये 10 फैक्टर्स आपको अपने गोल से, डिफेंस की जर्नी से दूर लेके जा रहे हैं, तो इनको रिमूव करना शुरू कर दीजिए। थर्ड इज नॉट बींग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यू कैन टेल एवरी वन, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड
थ्रू आउट द वर्ल्ड कि आप एक स्टेप ऊपर जाके आप बहुत सारी चीजें अपने बारे में बता सकते हो, बट रियालिटी यू नो अबाउट योर सेल्फ. आप किसी को बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं ये कर लूंगा ये कर लूंगा, बट यू नो द रियालिटी कि क्या आप उस काम को कर पाएंगे, वेदर यू आर केपेबल इनफ, आपके अंदर उतना पोटेंशियल है या नहीं है. सो मैं कहूंगी एवरी डे एटलीस्ट यू शुड हैव दैट रियलाइजेशन वाला फैक्ट कि येस नहीं ये एग्जामिनेशन मुझे देना है, फर्दर इसका ये आगे का प्रोसेस है, मैं यहाँ पे वीक हूँ तो आई शुड हैव प्रिपरेशन फॉर दिस, या ये मेरी कमजोरी है मुझे इसे दूर करना चाहिए, रदर देन टेलिंग एवरीवन कि नहीं मैं तो सब में अच्छा हूँ, मैं तो सारी चीजें कर लूंगा या कर लूंगी. ये आप अपने आप से जरूर ऑनेस्ट रहिए और कोई भी आपसे आपका बेटर जज नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को राइट जज करना सीखिए, और ऑनेस्टी इज वन थिंग जो अगर आपके अंदर आ जाएगी तो उस दिन आप एक ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट डेफिनेटली बन जाएंगे. नेक्स्ट इज ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग से मेरा मतलब ये है कि यूजुअली सबसे पहले जैसे ही हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया, SSB का कॉल लेटर आ गया, तो हमें लगता है हम तो आधे से ज़्यादा हमने डिफेंस की जर्नी कंप्लीट कर ली, हम तो ऑफिसर बन ही गए, अब तो एग्जामिनेशन निकल गया, SSB क्लियर हो जाएगा, मेडिकल्स हो जाएगा, उसके बाद तो अब तो मैं ट्रेनिंग में चला गया, यूनिफॉर्म मैंने पहन ली, अकेडमी ज्वाइन कर ली, ठीक है? ये हो गया आपका ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ओवर थिंकिंग की. अच्छा, इसके अलावा एक जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट आता है वो ये आता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इतना ज्यादा मोराल हमारा डाउन हो जाता है कि हम सोचते हैं यार इस बार हमसे प्रिपरेशन नहीं हो पाई, अब हम SSB नहीं देंगे, हमारी उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए, अगली बार देख लेंगे, कोई और एंट्री में देख लेंगे. तो यानी हम अपनी प्रियोरिटी से हट जाते हैं. तो मैं कहूंगी आप जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला एस्पेक्ट है उसको अपने साथ लेके चलिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पे ना लेके कॉन्फिडेंस के तौर पे लेके चलिए, और पॉजिटिव सोचिए कि यही आपकी प्रायोरिटी है, यही आपने डिसाइड करा था, अगर आपने सोचा है, आपने एक गोल सेटअप किया है, तो आपको वो गोल को अचीव करना है एक राइट डायरेक्शन में, राइट स्ट्रैटेजी के साथ, बिल्कुल पेशेंस, काम, कूल एंड कंपोजिट मैनर में, ठीक है? नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ 3 Ds, ठीक है? अब आपको अपने गोल अचीव करने के लिए ये 3 Ds बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर आप सब भी इस चीज को मानते होंगे, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन. तो जब भी आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, जब तक आप उस चीज को लेकर डिटरमाइंड नहीं रहेंगे और डेडिकेटेड नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज आपसे उतनी दूर रहेगी. तो अगर आप ट्रू एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं, आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में SSB की प्रिपरेशन करनी है, फुल डिटर्मिनेशन, फुल हार्ड वर्क के साथ प्रिपरेशन करनी, यानी प्रॉपर टाइम रिक्वायर्ड जितना है उतना आपको देना पड़ेगा, उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डेडिकेटेड मैनर में करना पड़ेगा. ये नहीं कि आप उसको लाइटली लेके कर रहे हैं कि नहीं चलो इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, या दूसरी एंट्रीज है, या और मैं अब आफ्टर ग्रेजुएशन करूंगा, या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू ट्राई करूंगा. सो इस तरह की जो चीजें दिमाग में आती हैं, यू हैव टू ओवरकम दिस. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ स्टडी आवर्स. सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स डू नॉट मैटर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ SSB प्रिपरेशन या रिटन एग्जामिनेशन की जब आप प्रिपेयर करते हैं. नंबर ऑफ स्टडी आवर्स यहाँ पे नहीं देखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हमें शेड्यूल बनाना है, हमें टाइम टेबल प्रॉपर चाहिए, इस तरह से कभी आपकी प्रिपरेशन नहीं होती. एवरी थिंग यू डू आपको हर उस चीज में SSB को इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली आपको करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई दो चीजों में घर में फैमिली कोई डिस्कशन हो रहा है ना, आपको एक डिसीजन लेना है ना, आपका वो डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द OLQs जो कि SSB में ऑटोमेटिकली काउंट होता है. और जब आप इस तरह की चीजें करना शुरू करते हैं, जब आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, जब आप फिजिकली फिजिकल अपना करना, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो आपकी डेली लाइफ की हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए OLQs डेवलप करना शुरू कर देती हैं. तो प्रॉपर शेड्यूल बना के, टाइम टेबल करके, अगर आप अपनी डिफेंस जर्नी को या डिफेंस गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, तो वहीं पे मैक्सिमम केसेस होते हैं रिजेक्शन के, और वहीं पे आता है कि आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि रियलिटी कुछ और रहती है. जितने टाइम हम प्रिपरेशन करते हैं, उतने टाइम हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम SSB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी थिंकिंग उस तरह से होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल कंट्रास्टिंग इमेज होती है या कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज होती है. तो ये चीज आपको अवॉइड करना है. नेक्स्ट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट्स या टॉपर्स.
जैसे मैंने हमेशा बोला, सबका अपना अलग एक्सपीरियंस होता है. हम यूजुअली डेफिनेटली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की स्टोरीज देखते हैं, टॉपर्स की स्टोरीज देखते हैं, और हमारी एक हैबिट होती है कि उनके क्या आंसर्स थे, उनकी क्या स्टोरीज थी, हम भी वही आंसर्स बोलेंगे या हम भी वही स्टोरीज लिखेंगे, तो हम इजिली स्क्रीन लीड हो जाएंगे या हम रिकमेंड हो जाएंगे या हमें भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा. सो दिस थिंग इज रॉन्ग. सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए मैं कहूँगी, आप जो फेलियर्स की स्टोरीज होती है ना उनको जरूर पढ़िए, क्योंकि टॉपर्स से बेटर मोटिवेशन आपको और स्ट्रैटेजी फेलियर्स की स्टोरी में ज़्यादा मिलेगी. ठीक है, कि फेलियर स्टूडेंट को कैसे सक्सेस मिला. साथ ही जैसे मैंने बोला, ये आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना तरीका है. आप भी किसी ना किसी वे में एक एग्जाम्पल सेट करें. जब आप डिफेंस जैसी फील्ड में जाते हैं सो आपकी टोटल इंडिविजुअलिटी मैटर करती है, यानी आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं सो दैट पीपल वुड फॉलो यू. तो वो एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो आपको डेवलप करना चाहिए, रेदर देन जो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो रिकमेंडेड है, हम तो इन्हीं के जैसे करेंगे, इन्हीं के जैसे आंसर करेंगे. हाँ, डेफिनेटली आप गाइडेंस लो, बट आप अपनी स्टोरी, अपनी स्ट्रैटेजी जरूर बनाएं और खुद एक टॉपर बन के आए सो दैट लोग आपको कल को फॉलो करें. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ. मैं हर बच्चे को ये कहती हूँ कि आप सब में वो क्वालिटीज हैं, OLQs हैं, सिर्फ आपको उनको पहचानने की जरूरत है, आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है हमेशा, और उस डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है. तो आप सब जो इस सेशन को देख रहे हैं, आप सब ऑफिसर्स बन सकते हैं, आप सब के अंदर क्वालिटीज वो हैं, बस आपको अपने आप को उस डायरेक्शन में एक बार लेके आना है, और कुछ दिन में कहूंगी एक वीक आप डेडिकेशन के साथ इस पैटर्न को, इस तरीके को फॉलो कर लीजिए, आप डेफिनेटली अपने आप में एक चेंज देखना शुरू कर देंगे, रेदर देन जब आप किसी बुक को फॉलो करते हैं या सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स लगाने से. इन सारी चीज़ों से नहीं बनता, आप सोच में अपने चेंज लाइए, उस सोच को प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, राइट स्ट्रैटेजी यूज करिए, और आप अपने सामने एक हफ्ते में उस रिजल्ट को देखना शुरू कर देंगे. एंड लास्ट एंड द लीस्ट इज डिसीजन मेकिंग एंड अवॉइडिंग हेजिटेशन. नाउ डिफेंस इज अ सर्विस जहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप हेजिटेटेड होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, तो वहाँ पे आपके लिए इश्यूज आ जाते हैं. तो यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स जो मैंने बोला रिजेक्शन के लिए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अपनी डेवलप करनी है, आपको अपनी हेजिटेशन दूर करनी है, इंट्रोवर्ट से एक्स्ट्रोवर्ट बनना है, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ढूंढनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो भी फैक्टर्स मैंने बताए ये यूजुअली आप हर दूसरे कैंडिडेट से जब भी मिलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और आपके दिमाग में भी इनमें से कोई ना कोई फैक्टर्स आते होंगे, आपने भी इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स को फेस करा होगा, तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड यू कैन टेक द डिसीजन ऑल्सो कि जो भी बातें मैंने आपको बताई इनमें से कितनी बातें आपको सही लग रही हैं. अगर आपको सही लग रही हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली इन फैक्टर्स को फॉलो करिए, देखिए, एक हफ्ता अप्लाई करके देखिए, और आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा. बिकॉज विथ 100+ रिकमेंडेशंस आई थिंक आई एम द राइट पर्सन एंड आई कैन गाइड यू वेरी मच एक्यूरेटली, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे जो है वो अलग अलग एंट्रीज में जाते रहते हैं, और हर एंट्री से रिलेटेड अपडेट्स, उनके फीडबैक्स, उनके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि सबका अलग होता है, सो वो आते रहते हैं ऑटोमेटिकली मेरे पास. साथ ही डिफेंस बैकग्राउंड होने के पास और फैमिली में भी अब मेरे कई रिकमेंडेशंस हो चुके हैं. अभी रिसेंट भी जैसे मैंने आपको बताया था, माई ब्रदर ऑल्सो गॉट रिकमेंडेड, और दो एंट्रीज में बैक टू बैक रिकमेंड हुआ है विदाउट कोचिंग. सो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मेरे पास एक्सपीरियंस के थ्रू आती हूँ, और यही एक्सपीरियंस, यही स्ट्रैटेजी मैं आप सबको शेयर करना चाह रही हूँ, यही आपको मैं बता रही हूँ. और जैसे मैंने बोला कि SSB इंटरव्यू का जो प्रोसेस है, डोंट टेक इट लाइटली, एंड दो स्टेजेस में SSB इंटरव्यू होता है. सो मेन आपका है Stage 1 स्क्रीनिंग का, ठीक है, Stage 2 टेस्टिंग जो कि आपकी होती है जब आप Stage 1 क्लियर कर लेते हैं. तो नाउ इसी के लिए जैसे मैंने बोला, हमने एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम अवेल करा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमें SSB को लेके अलग अलग फैक्टर्स में, अलग अलग इश्यूज में उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हैं. सो इंडिविजुअल करके अगर आप सबको गाइडेंस चाहिए, तो आप अपनी SSB किसी भी एंट्री के लिए फोकस कर रहे हो, 2022 बैच के लिए अगर आप SSB प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, चाहे वो NDA एग्जामिनेशन के लिए हो गया, TGC के लिए हो गया,
आपका एयरफोर्स के लिए हो गया, नेवी के लिए हो गया, एसएससी टेक हो गया, जैग एंट्रीज हो गई, जो भी एंट्रीज आप एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है बच्चों। इसमें आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों को क्यों आता है, क्योंकि इसमें आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है एंड फ्री मॉक इंटरव्यूज अवेलेबल है। इसके अलावा हम शुरुआत से बच्चों को मेडिकल की भी गाइडेंस करते रहते हैं, जैसे जो कॉमन मेडिकल इश्यूज होते हैं जिसमें आपको टीआर बहुत इजीली मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल ईयर में आपके ईयर वैक्स के लिए मिल जाता है, नोज में आपको डीएनएस के लिए मिल जाता है, स्वेटी पाम्स मिल जाता है, प्लस इनके ट्रीटमेंट्स आप किस तरह से कर सकते हैं घर पे आराम से, सो दैट आप इजीली अपनी जब एसएसबी देने जाए तो वहां पे वन गो में कोशिश करें अपने मेडिकल एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। सो हमारा जो टारगेट बच्चों रहता है वो ये रहता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स जाए वो इतने वेल ट्रेंड होके जाए, मतलब इतना उनके पास एक्यूरेट गाइडेंस हो, प्रोसीजर का प्रॉपर नॉलेज हो, सो दैट वो वन गो में रेकमेंड हो। और हमारी कोशिश रहती है प्लस उन बच्चों का हार्डवर्क और लक कि एक रिकमेंडेशन बच्चा ले, लेकिन उस रिकमेंडेशन के साथ एटलीस्ट बच्चे की डिफेंस जर्नी कंप्लीट हो जाए, वो एकेडमी को ज्वाइन करे और वो जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म पहने। सो ये कोर्स में आप ऑटोमेटिकली एनरोल कर सकते हो, इसका गाइडेंस ले सकते हो मेरे साथ, एंड जैसे मैंने बोला ये डिजिटल नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हर टेस्ट से रिलेटेड इंडिविजुअल बुक्स हैं जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल नहीं मिल रही है। सो इंडिविजुअल बुक्स का ये गाइडेंस है, ये सब कुछ आपको बच्चे गवर्नमेंट क्राकर्स ऐप पे अवेलेबल मिलेगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर ऐप से, एप्पल प्ले स्टोर दोनों पर ये अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह के सेशंस आपको मिलते रहें। कोई और आपके डाउट्स है या किसी और पे आपको नॉलेज चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इसी तरह के सेशंस में और आगे आपके लिए लेके आते रहूंगी। सो आई थिंक दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन जय हिंद।